So, hello everyone, this is Fast Track Nishan. As you all know, we are in the flow with our web development course. हमने पिछले वीडियो में 6 ट्यूटोरियल तक देखा था. उसमें हमने बहुत सारे टैग्स एक्सप्लेन किए थे, कौन कौन से टैग्स होते हैं, कैसे हम उस वीडियो में लिंक्स डालते हैं. अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए. मैंने ये सारी वेब डेवलपमेंट की वीडियो वेब डेवलपमेंट नाम के प्लेलिस्ट में ऐड की गई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. अब तक इस प्लेलिस्ट में 6 वीडियोस हो चुकी है. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए. सो दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 7. इन दिस ट्यूटोरियल वी विल अंडरस्टैंड द मोर एचटीएमएल एंड मोर कॉन्सेप्ट्स अबाउट एचटीएमएल. सो लेट्स गो टू वीएस कोड. और एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए. अब हम आ गए हमारे वीएस कोड में. एज यू ऑल नो, वी क्रिएट्स अ फाइल. अब ये हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 7. सो लेट्स क्रिएट अ फाइल एज tut.7html. Let's revise some concepts. Okay, in short period. हमने कल हेडिंग टैग्स के बारे में देखा. H1 टैग देखी थी, H2 टैग देखी थी, H3 और अप टिल H6 टैग हमने देखे थे. उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग्स देखी थी. पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं? ओके, पैराग्राफ टैग्स के बाद हमने बहुत सारे टैग्स देखे थे. जैसे कि हमने देखी थी BR टैग, मतलब कि जिसे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कैसे करना है, स्ट्रेस एम्फोसाइज और बहुत सारी चीज़ें. मैंने लास्ट में आपको इमेज हमें कैसे ऐड करनी है वो बताया था. और हमें HTML के डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल JavaScript को कैसे लिंक करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी. अब इस वीडियो को चालू करते इमेज से, मैं आपको इमेज टैग के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा. देखो हमने क्या किया था, सिर्फ img लिखते और यहाँ पे आता है सोर्स एंड अर्ट. मैंने सोर्स के बारे में तो बताया था कि यहाँ पे आप जिस इमेज की फाइल होगी वो आप डाल सकते हो. जैसे कि यहाँ पे tut img.jpg, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ /tut img.jpg. ओके, इट विल शो हियर. बट ये जो अर्ट होता है, अर्ट क्या होता है? देखो, अगर किसी कारणवश आपकी इमेज प्रदर्शित नहीं होती तो अल्ट में जो टेक्स्ट आप लिखते हैं वो दिखता है. लेट्स सी, आवर इमेज इज अबाउट अ ब्रिज. अब हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इमेज इज फॉर ब्रिज, दिस इमेज इज ऑफ ब्रिज. ओके, अब इसे ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे. एज यू ऑल नो, वी आर यूजिंग दिस करंटली मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर. आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो क्योंकि इमेज सही से लोकेट हो गई. बट मैंने अगर इस इमेज का नेम चेंज कर दिया, देखो tut img, इस नेम की कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? मैं इसे रिलोड करता हूँ. देखो, दिस इमेज इज ऑफ ब्रिज क्या दिखाया, जो अल्ट के अंदर का जो टेक्स्ट होता है वो इसमें दिखाता है. सो इससे आपको इमेज टैग के बारे में पूरी आइडिया क्लियर हो गई होगी. अब आते हैं वीडियो टैग के बारे में. हमने जैसी HTML में इमेज ऐड की वैसे ही हम उसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना है, आपको इजीली लिखना है वीडियो. ओके, जैसे हमने इमेज लिखा था वैसे ही वीडियो लिखना है. यहाँ पे फिर से वो सोर्स पूछेगा. अब मैंने इस HTML के फोल्डर में video.mp4 नेम के एक वीडियो फाइल ली है, उसे हम यहाँ पे सोर्स में दे देते हैं वीडियो, और सिर्फ लिखना है .forward/video.mp4. ओके, ये वीडियो दिख गई. अब लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी वीडियो है, पर ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, कुछ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये वीडियो अभी तक चल नहीं रही, क्योंकि ये वीडियो अभी तक चल नहीं रही. यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स भी नहीं दिख रहे जिससे कि हम इस वीडियो को प्ले कर सके, पॉज कर सके और वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप कर सकते. अब हम इस वीडियो को क्या करते हैं, हमें इस वीडियो को डायरेक्ट चलाने के लिए लिखना होगा ऑटो प्ले. मीन्स हम जैसे ही इस पेज को रिलोड करेंगे ये वीडियो ऑटोमेटिकली चल जाएगी. देखो ये वीडियो ऑटोमेटिकली चलती है, बट बाय डिफॉल्ट HTML में ऐसा क्यों नहीं होता, लेट मी टेल यू. देखो अगर हमने कोई ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन की, लेट्स से ट्विटर, हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो जब हम ऑटो प्ले लगाते थे जैसे ही वेबसाइट ओपन होती वो वीडियो चलने लगती. आपको कैसा लगेगा, यूजर एक्सपीरियंस कितना बैड होगा कि वो वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई वीडियो आती वो चलती और जोर जोर से आवाज आती उस वीडियो की. सो इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है. बट इन सर्टन केसेस इट इज मस्ट हम इसे यूज करते. अगर आप कोई बैकग्राउंड में वीडियो प्ले करते जैसे कि कोई गेमिंग की वीडियो हो गई वो, तो ऑटो प्ले मोड में हम चलाते. इसके लिए हम यहाँ पे ऑटो प्ले लिख सकते
और इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ओके, अब मैंने तो आपको बता दिया कि ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे हमारे इस वीडियो के अंदर कुछ कंट्रोल नहीं है। हमें इस वीडियो में कंट्रोल्स ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है वीडियो कंट्रोल्स CONTROLS। ओके, देयर इज अ सजेशन, हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल सीखते हैं, मैं इसे फिर से रीलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए, यहाँ पे पॉज का बटन है। हम और एक काम करते, ये जो वीडियो है ये बहुत ही बड़ी हो रही है, हम इसकी विड्थ भी सेट कर देते। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको लिया कंट्रोल्स, सोर्स लिखा, ऑटो प्ले, उसके बाद लिखना है आपको विड्थ। हमें क्या सेट करनी है, विड्थ। हम इसे जो वीडियो टैग है ये देखो, ये वीडियो टैग यहाँ से ओपन हो गई है और यहाँ से क्लोज हो गई। इसके अंदर हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा, हम सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो होते हैं ये वीडियो, ये एक टैग है, और ये जो कंट्रोल्स, सोर्स, ऑटो प्ले, ये सारे होते हैं एट्रीब्यूट्स, इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, विड्थ सेट करने वाले थे। सो विड्थ लिखिए और 600 कर दीजिए। देखो अब क्या चेंज आएगा, ये जो वीडियो है वो छोटी हो गई, और ये जो सारे कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स किसके लिए, वो कंट्रोल्स आए इस वजह से, कंट्रोल्स टैब की वजह से। हम यहाँ पे इसे पॉज कर सकते हैं, इसे प्ले कर सकते हैं। अब देखो यह क्या आ रहा है, दिस इमेज इज ऑफ ब्रिज। अगर हम इसे tube.img कर देते हैं फिर से, तो वो इमेज भी यहाँ पे दिखने को मिलेगी, देखो। और यहाँ पे नीचे वीडियो, तो आप इस तरह से कोई भी वीडियो को यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आईफ्रेम टैग। आईफ्रेम टैग क्या होती है, देखो ये होती है आईफ्रेम टैग, आईफ्रेम, सोर्स, फ्रेम बॉर्डर। आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जो आईफ्रेम होता है वो क्या होता है, इसे हम इसके बारे में हम जानते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईफ्रेम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सजेशन आ गया। मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ, अब जैसे आप इस आईफ्रेम पे होवर करते हो, आप यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, देखो MDN रेफरेंस, ये क्या है, एक सोर्स है, mozilla.org docs web.html एलिमेंट्स फ्रेम। मतलब कि हम जैसे ही इस MDN रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, ये हमें ले जाएगा इस MDN रेफरेंस की वेबसाइट में, mozilla.org, यहाँ पे सारे HTML के कंटेंट दिए गए होते हैं, और विद द एग्जांपल्स, लेट हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या एम्बेड किया है, मैप एम्बेड किया है। हम मैप को भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, हमें जो चाहिए हम वो एम्बेड कर सकते हैं। सिमिलरली लेट सी हाउ टू एम्बेड वीडियो इन आर HTML। सो अब क्या करना है हमें, अब जाना है आपको यूट्यूब पे, लेट्स फॉर हमें यूट्यूब की कोई वीडियो को एम्बेड करना है, लेट्स सी इस वीडियो को हमें एम्बेड करना है, हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर कंप्लीट रोड मैप। यहाँ पे क्या कीजिए, इस वीडियो को सिंपली ओपन कीजिए, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर देते हैं हम। अब देखो जैसे ही आप शेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एम्बेडेड, एम्बेड, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जो कोड दिख रहा है आपको इसे सिर्फ कॉपी कर लेना है। आपको क्या करना है, इसे सिर्फ कॉपी करना है और इस HTML में नीचे पेस्ट कर देना है, एज इट इज कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। मैं ये टैग के बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे दिखता है। अब देखो ये हमारी वीडियो थी, हम इसे रीलोड करते हैं अगेन। देखो हमारी जो यूट्यूब की वीडियो वो यहाँ पे एम्बेड हो गई, दिस इज फास्ट रेकग्निशन सब्सक्राइब। हम यहाँ पे वॉच ऑन यूट्यूब कर सकते हैं, अगर हमने प्ले बटन किया तो यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं, ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हैं, व्यू ऑन फुल स्क्रीन, लेट डिकोड दिस कोड। ओके अब देखो ये जो आईफ्रेम है यहाँ पे लिखा है विड्थ 560, मतलब कि ये जो टेम्पलेट है, ये जो एम्बेडेड कोड है, इस वीडियो की विड्थ है 560, हाइट है 315, हाइट है 315। जो सोर्स है वो सोर्स का है https youtube, मतलब कि इस वीडियो के सोर्स, मतलब कि इस वीडियो की लिंक होगी। ओके टाइटल क्या है, youtube वीडियो प्लेयर, फ्रेम बॉर्डर 0, अलो एक्सेलरोमीटर, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, देखो ये टैग है ऑटो प्ले, जिससे कि ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है। इंक्रिप्टेड मीडिया, गायरोस्कोप, पिक्चर इन पिक्चर, पिक्चर इन पिक्चर, ये जो टैग है ये देखो पिक्चर इन पिक्चर दिख रहे हैं ना, वॉच इन पिक्चर, या ऐसे पिक्चर इन पिक्चर हो जाती है, वो इस एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा है। अलो फुल स्क्रीन, अगर हमने ये जो ऑप्शन दिख रहा है अलो फुल स्क्रीन, वो इसकी वजह से आ रहा है अलो फुल स्क्रीन। वेल आपको अब समझ आ गया होगा कि आईफ्रेम टैग का क्या यूज होता है। मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सोर्स कोड आपको भी देना है, ये आप सोर्स कोड आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। मैं इस सारी घटनाओं को कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ओके दिस इज कमेंट, आवर वेब पेज इज टोटली क्लियर। देखो अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि हम अब जानेंगे एंकर टैग्स के बारे में। एंकर टैग्स के बारे में
हमने क्या जाना था कि कुछ टैग्स होती है, एट्रीब्यूट्स होती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एंकर टैग। इस टैग से आप किसी भी वेब पेज में लिंक लगा सकते हो। मतलब कि कैसे, आप डेमो ही देखते। देखो आपको लिखना है ए, ए मीन्स एंकर टैग। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वीएस कोड का इमिटेबल वर्जन ओपन होगा और उसमें आपको दिखेगा एचरेप एंड ए। वेल आप सबको तो पता है कि एचरेप में हम क्या देते हैं, सोर्स देते हैं कि हमें वो लिंक कहाँ से लानी है। फॉर सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे google.com की लिंक लेके आते, देखो यहाँ पे जाते फॉर youtube.com की लेते, इसे कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करते, सोर्स में दिया हमने इसे दिया और यहाँ पे लिया क्लिक हियर टू गो ऑन youtube.com। क्या लिखते है, क्लिक हियर टू गो ऑन YouTube। ओके अब जाते हैं हमारे ब्राउजर में, हम देखते हैं यहाँ पे, लोड करते हैं इसे। यहाँ पे देखो एक टैब सी ओपन हो गई, जो कर्सर है वो पॉइंटर हो गया। मैं जैसे इस पे को क्लिक करूँगा तो ये youtube.com पे ले जाएगा। देखो youtube.com ओपन हो गई, बट आपने देखा कि मैंने जब इस पे ऊपर क्लिक किया तो ये उसी वेब पेज में ओपन हुआ। पर हमें अगर इसे दूसरे वेब पेज में ओपन होना है तो हमें एक और एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है। कौन सा होता है एट्रीब्यूट, वो होता है टारगेट नेम का। जैसे हम यहाँ पे टारगेट लिखते हैं, देखो सजेशन भी आता है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये आता है ये पे। इसे आप रटो मत, इसे आप पहले समझ लो। ओके ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जैसे हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते, अब मैंने अगर youtube.com ओपन की तो देखो अलग टैब में ओपन हुई, ये हमारी पहली वेबसाइट। इसे मैं फिर से ओपन करता हूँ तो ये अगेन दूसरे टैब में ओपन होती। सो आपको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब इस एंकर टैग में हम इमेज भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, मैं फिर से ये लिखता हूँ, इमिट एब्रिवेशन आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यही वेबसाइट लिख देता हूँ https youtube.com, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ ऐसा कंट्रोल। अब देखो ये जो यहाँ था, यहाँ पे हम img लिखते हैं, सिर्फ img। इसमें पूछा सोर्स, सोर्स क्या देते हैं हम, tutimg.jpg.forward/tutim और सिर्फ tutimg.jpg इसलिए लिखते। अब देखो और जैसे हम ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे हम रिलोड करते हैं, ये देखो ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मुझे youtube.com पे ले गया। इसने मुझे उसी वेबसाइट में ओपन किया क्योंकि मैंने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ऐसा एट्रीब्यूट नीचे लगाया नहीं था, इसलिए उसने उसी वेब पेज में टैब को ओपन किया। मैं अभी बैक जाता हूँ। अगर आपको किसी को इमेज को ऊपर क्लिक करके लिंक पे ले जाना है तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ होती है, हम ए टैग से हम किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। मतलब कि देखो हमने बनाए थे कुछ index.html, ये पहली index.html है। हम क्या करते हैं, जो हमारे tut7.html उसमें लिंक करते, हम सिंपली क्या लिखते हैं, फिर से ए लिखते हैं emit abbreviation .forward/index.html ऐसा ही लिखना है। अब यहाँ पे लिखते क्लिक हियर टू गो टू और गो ऑन index.html। ओके जैसे हम ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा नीचे, देखो क्लिक हियर टू गो ऑन index.html। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आपको पता है कि कमेंट आउट करने के लिए हम control/forward/ यूज करते हैं। ओके अब ये कमेंट आउट हो गया, ये इमेज चली जाएगी। आई थिंक मेरा लाइव सर्वर अच्छे से चल नहीं रहा, मैं उसे फिर से ओपन करता हूँ। मेरा लाइव सर्वर तो अभी चल नहीं रहा, हम इसी से काम चलाते हैं देखो अभी, क्योंकि हमें कोई स्टॉप नहीं चाहिए, मैं इसे बाद में सेट कर लूँगा। देखो अब हमने एंकर टैग देखी, अब हमने हम क्या देख रहे थे, index.html हमने लिंक की। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होगा index.html, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये फाइल ओपन हो गई। ये फाइल कहाँ से आ गई, ये फाइल थी index.html। अगर हमें इसे फिर से नए टैब में ओपन करना है तो हमें लिखना होगा target_blank। ओके व्हेन यू विल राइट target_blank इट विल ओपन इन अनदर टैब। आई थिंक मुझे इसे रिलोड करना पड़ेगा, फिर हम ओपन करते हैं। देखो ये अनदर टैब में ओपन हो गई। तो अब आपको पता चल गया कि हम एंकर टैग से किसी भी लिंक को या किसी भी इमेज को, किसी भी पेज को कैसे लिंक करते हैं। वेल क्या आपने एक बात देखी, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में आई। मैंने अगर यहाँ पे कितनी भी स्पेस दे दी, देखो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, फिर रिलोड भी करता हूँ,
पर फिर भी एक ही लाइन में आ रही है, यहाँ पे कुछ स्पेस भी नहीं मिला। अगर मुझे नीचे लाना था, देखो क्लिक हेयर टू गो ऑन यूट्यूब एंड क्लिक हेयर टू गो ऑन index.html, अगर मुझे क्लिक हेयर टू गो ऑन index.html नीचे के रूम में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक टैग होती, उसे कहते हैं हम br टैग। सिर्फ हमें br लिखना है, सिर्फ वो एक ही होती, इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। हम मैं इसे रिलोड करता हूँ, देखो ये नीचे आ गई, क्लिक हेयर, जितने हम br टैग डालेंगे उतने वो नीचे चली जाएगी। देखो ये स्पेसेस आ गए, इन इसके थे एम्प्टी स्पेसेस, ये एम्प्टी स्पेसेस हम डाल सकते हैं बी आर टैग से और हम नीचे रो कर सकते हैं। वेल इसके लिए और भी तरीके, मैं आपको इन तरीकों के बारे में बाद में बताऊंगा। अब हमने एंकर टैग देख ली, अब आते हैं लिस्ट के ऊपर, लिस्ट क्या होती है। सो मैं इसे फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे सोर्स कोड आप लोगों को देना है। अब आते हैं लिस्ट के ऊपर, लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट इन HTML इसने टैग ली, ओके लिस्ट इन HTML। अब देखो दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। हम पहले देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। देखो अनऑर्डर लिस्ट का यू और लिस्ट का यल, इससे एक टैग बनते हैं जिसे कहते हैं हम UL, UL टैग होती है। ऑर्डर लिस्ट का O और लिस्ट का L, हम मैंने इसे ऐसे ध्यान में रखा है, आप भी इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हो और आपकी कोई अलग टेक्निक होगी तो आप उसे चूज कर सकते हो। ओके UL OL, अब देखो UL OL के बीच में क्या आता है, हम पहले UL को देखते हैं। UL क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। ओके हम लिखते हैं सिर्फ UL, एक टैग हो गई, मैंने इसे ओपन किया, पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। वेल अब देखो UL हो गए, हम यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पे, हमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। अब हम क्या करने वाले, इस UL टैग में लिखेंगे हम LI टैग्स, LI मीन्स लिंक, सॉरी LI मीन्स लिस्ट, लिस्ट टैग होती है। लिस्ट में हम लिखते हैं होम, फॉर सपोज होम, फिर लिखते फिर LI टैग बनाते, उसमें लिखते अबाउट, ओके अगेन LI टैग बनाते और उसमें लिखते कॉन्टैक्ट अस, ओके अगेन LI टैग बनाते, उसमें लेते सर्विसेस। अब जाते हैं हमारे वेब पेज पे, हमें कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हो गई लिस्ट, क्या है होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस सर्विसेस और एक गोले गोले क्या आ गए, ये होते टाइप। वेल अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने बना दी हमारी लिस्ट। ओके अब आप देखिए हम इन शेप्स को भी डिजाइन कर सकते हैं, आई होप आप सबको दिख रहा होगा लेकिन मैं इसे जूम कर देता हूँ। देखो ये जो शेप्स है इसे कहते हैं हम डिस्क बना दिए, अब इन्हें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, इस UL में लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर SQUAR, अब देखो हाँ ये क्या होगा, ये जो डिस्क के शेप थे ये स्क्वायर हो गए। देखो अगर हम इस स्क्वायर की जगह लिखते हैं सर्कल, अगर हम इस स्क्वायर की जगह लिखते हैं सर्कल, If we write circle instead of the square, then this output will be shown. Okay. अब देखो ये सर्कल हो गए, जो डिस्क थी वो अलग थी सर्कल थी, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम इसे स्टाइल करते हैं CSS की मदद से। अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो ये जो टेक्निक है वो डिप्रिशिएट हो चुकी है। अगर हम इसके MDN पे जाते, मतलब कि MDN रेफरेंस देखते, हमें वो कैसे दिखना है मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हम इस पर और करेंगे और MDN रेफरेंस पे जाएंगे, देखो मैंने इसे ओपन किया, क्या क्या आला है, UL द अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट। आप यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस देख सकते हो, हम यहाँ पे UL बना देते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने को यहाँ पे दिया होगा वार्निंग, देखो डो नॉट यूज दिस एस्टिमेट, सी हेयर इज द टाइप वी कैन सेट फॉर अ सर्कल डिस्क और स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने दिया है डो नॉट यूज दिस एट्रीब्यूट एज इट हैज बीन डिप्रिशिएटेड, मतलब कि हम इसे यूज नहीं करते, हम CSS की प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप इससे हम इसे डिजाइन करते। ओके सो आपको बता दिया मैंने ऐसा होता है। हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो लिस्ट है उसके अंदर भी एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर से मैं UL बनाता हूँ, फिर से LI, फिर से this is लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अब देखो ये कैसे दिखता है, दिस इज लिस्ट इनसाइड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई। हम इसे ट्री की तरह और भी कह सकते हैं बट हम इसे इतना ही रखते हैं। ओके अब आपको अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है समझ में आ गया।
अब देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ये जो पहला टाइप है ऑर्डर लिस्ट का, उसे देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको क्या बताया, ओ ऑर्डर लिस्ट का एल, ओ एल। जैसे हम ओ एल लिखते वो ऐसे ही सेम आता है, हमें इसे सेम लिखना है। अब मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, मैं इसे थोड़ा जूम कम करता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो ये है अनऑर्डर लिस्ट और ये ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिजिट्स आ गए 1, 2, 3, 4, इंडेक्सेस आ गए। यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस नहीं बल्कि शेप थे। सिमिलरली हम इसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखते टाइप, यहाँ पे लिखते हम टाइप, यहाँ पे लिखते 1A, देखो इसने सजेशन दिया, हम इसे 1 कर सकते, कैपिटल A कर सकते, स्मॉल A, रोमन का A और I कर सकते, फॉर से हम इसे A करते स्मॉल A। तो ये जो वेबसाइट ये कैसे अपडेट होगी, ए बी सी डी, देखो वेल इसे भी हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको भी लिस्ट बताई कि ये लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। वेल आज की वीडियो में हमने इमेज टैग देखी, वीडियो टैग देखी, आई फ्रेम देखा कि हमें कैसे एम्बेड करना है। आई फ्रेम में आप मैप भी एम्बेड कर सकते हो। सिमिलरली आपको गूगल मैप की वेबसाइट बताना है, और जैसे हमने यूट्यूब के लिए प्रोसेस की वैसे ही आप मैप के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद हमने एंकर टैग देखी कि एंकर टैग में हम क्या क्या लिंक कर सकते हैं, youtube.com पे कैसे जाते हैं, अदर टैब में कैसे ओपन करते हैं। ओके, क्लिक हियर टू गो, index.html, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट देखी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।